जिन्होंने हमारी आदि व्यवस्था को एकदम सुचारू रूप से बनाए रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोनों टीमों को, रामगढ़ एक सौ टीम और मंडावा की टीम को, दोनों टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी हर तरीके से बात रखी, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोनों टीमों को। अंपायर विनय और मुबारक इस मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट कराकर जो निर्णय है वो जल्द से जल्द दर्शकों के सामने रखे हुए। माजिद और आजाद जो कि दोनों कैप्टन है दोनों टीम के, उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स। एयर क्रिकेट खेले हर कुछ बोलो भाई, मैच स्टार्ट है इसी बीच पहली गेम छह गेंदे आठ रन का भी रोमांचक मुकाबला ये। इस बार पहली गेंद और ये जब मेरे आगे कमेंट्री बॉक्स आगे जो खिलाड़ी खड़े हैं वो पहली गेंद इस बार काफी खूबसूरत शॉट और काफी खूबसूरत फील्डिंग वहां पर तीन रन बचाए अपनी टीम के लिए, बेहतरीन फील्डिंग का मैदान वहां पर स्वीकार करना पड़ेगा दोनों टीमों हार और जीत ये अनिश्चित होगा, पहले पांच गेंदों से हमें सात रन की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए, पांच गेंदे सात रन। अगली गेंद पांच गेंदे सात रन, गेंद इस बार यहाँ पर अंपायर का सारा दो गेंद और चार गेंदों से सात रन की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए, बेहद ही रोमांचक स्थिति में ये मैच चार गेंदे सात रन और इस बार कट करते हैं बॉल के ऊपर और वहां पर एक रन मिलेगा, इस एक के साथ तीन गेंदों से अब छह रन की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए, तीन गेंदे छह रन, पांच ओवर बनते हैं तो मैं कहूंगा ये सुपर ओवर होगा जो एक एक ओवर का होगा, तीन गेंदे छह रन। अगली गेंद क्या था सकी गेंद उस बार फुलपास गेंद लेकिन सीधा फलपुरी में खेल दिया और वहां पर इतनी अच्छी फील्डिंग करना में एक ही रन, अब दो गेंदों से पांच रन, दो गेंदे पांच रन हो जोरदार ताली इस मैच के लिए, दो गेंदे पांच रन हो। अभी गेंद और इस बार सीधे हाथों से खेल दिया गेंद पर गेंद वहां की लड़की बारी इसी के साथ छोड़ लेवल वहां पर मैच का ही अंतिम गेंद बाकी, दर्शक भाग रहे हैं, दर्शक भाग रहे हैं, दर्शक भाग रहे हैं भाई, दर्शक भाग रहे हैं, दर्शक जल्द से जल्द बाहर हो जाए, दर्शकों से अनुरोध है कि बाहर रहे, यदि किसी के भी पाँव पर कहीं भी गेंद लगेंगे फिर कोई भी विवाद हो सकता है, इसलिए सभी दर्शक बाहर रहे। अंतिम गेंद एक रन जीत के लिए, टाई के लिए बहुत गेंद सही है, अंतिम गेंद लेकिन सुपर ओवर या फिर नतीजा, सुपर ओवर या नतीजा, बैटिंग अब हार नहीं सकती है, ये जानकारी भी मैं आपको दे दूं, बैटिंग बिल्कुल भी हार नहीं सकती है, एक गेंद एक रन, वन गेंद वन रन विन, लास्ट गेंद और धीरे से इस बार गेंद को और फिर भी वही रोमांच, लास्ट गेंद अंतिम गेंद एक रन और इस बार खेलते हुए दौड़ पड़े और जोरदार तालियां, सारे सौदे भी फैल हो गए हैं, ग्राउंड खाली करे, जल्द से जल्द सुपर ओवर है, जल्द से जल्द होगा सुपर ओवर है, एक एक ओवर का ये मैच होगा सुपर ओवर होगा, मैच लौट आई में खुश है अपने इस प्रदर्शन से, ग्राउंड खाली करो भाई, ग्राउंड खाली करो, ग्राउंड ग्राउंड जल्द से जल्द खाली करो, मैच का दूसरा सुपर ओवर अब दोनों राज्य हो गए हैं, सुपर ओवर पीयूष, पीयूष, पीयूष मैच देख पागल पीयूष नाग 3 लाख रुपए लाग रहे पीयूष तू बाप कर रहे पीयूष और मैं एक जानकारी और आपको दे देता हूँ, जिस भी टीम के अर्थ लग रहा हूँ लिया सोगा मान लो
क्योंकि जिस भी टीम के दो विकेट पड़ जाएंगे वो वहीं पे ऑल आउट हो जाएगी भाई। सुपर ओवर है, दिल्ली दिल्ली है भाई, दिल्ली यदि दो विकेट किसी भी टीम के पर आउट हो जाते हैं तो ऑल आउट हो जाएगी भाई। दोनों कप्तान है, यदि मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो अच्छे तरीके से सुन ले, यदि दो विकेट किसी भी टीम के गिर जाएंगे तो उनकी पारी वहीं समाप्त हो जाएगी भाई। दूसरा विकेट जैसे ही गिरेगा उसके बाद में पारी समाप्त हो जाएगी। दोनों अंपायर इस फैसले पर काफी ध्यान दे मेरे पर, जैसे ही दो विकेट गिरेंगे मैच वही समाप्त हो जाएगा, पारी वही समाप्त हो जाएगी। सुपर ओवर, इस टूर्नामेंट का दूसरा सुपर ओवर, एक टूर्नामेंट इस पहला जो सुपर ओवर हुआ था वो मुझे अभी भी याद है, इंडियन हॉकी चौथिया की टीम के खिलाफ खुद सची के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था वो सुपर ओवर हुआ था और हॉकी ने उसमें मात्र 5 रन दिए थे और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। सुपर ओवर इस टूर्नामेंट का दूसरा सुपर ओवर, आज का पहला सुपर ओवर। दो खिलाड़ी यदि किसी भी इनिंग में आउट हो जाते हैं तो उनकी पारी वहीं पर समाप्त हो जाएगी भाई। कोई भी टीम यदि दो खिलाड़ी आउट होते हैं तो इनिंग वहीं समाप्त हो जाएगी, ये ध्यान रखें दोनों अंपायर। और इसी बीच अंपायर विनय का इशारा लेते हुए पहली गेंद, दर्शक तरीके शांति बनाए रखा है, दर्शक बाउंड्री के बाहर रहे हैं, पहली गेंद और खेल दिया उसको उसी अंदाज में वहां पर मिस खेल देंगे, लेकिन एक ही रन मिलेगा उस एक के साथ और अंपायर का इशारा वहां पर देखना होगा। इस बीच क्या होता है, अंपायर का इशारा, अंपायर का चेहरा नो बॉल नो के साथ एक रन और मिलेगा, बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन, 2 रन हो चुके हैं, बॉल जीरो रामगढ़ एक्सिस बैंक। पहली गेंद इस बार कौन क्लीन बॉल करके हुआ था, अब यदि एक विकेट गिर जाता है और तो मैं कहूंगा मैच इनिंग यही समाप्त हो जाएगी, और विकेट गिरने के बाद में एक गेंद 2 रन, 5 गेंदों का खेल बाकी, 5 गेंदों का खेल बाकी है, काफी रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला, यदि एक विकेट और गिर जाती है तो इसी इनिंग का खात्मा हो जाएगा। मंडावा की टीम यदि जीतती है तो 500 रुपए का नगद इनाम जो कि मेरे हाथ में है वो मंडावा का दिया जाएगा शोक की तरफ से, मेरे पास 500 रुपए आ चुके हैं। इस बार काफी अच्छा शोक है और वहाँ पर गेल सिटी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए BSL कंडक्टिंग इंडिया 4 रन। अगली गेंद इस बार भी काफी अच्छी गेंद और वहां पर हल्के से अपील, लेकिन अंपायर भी उतना प्रभावित नहीं कर सकी और अंपायर बेचारा नॉट आउट, 3 गेंदें 6 रन। एक बार फिर अगली गेंद इस बार भी काफी अच्छी गेंद और वहां पर अंपायर लेने का इशारा आउट और इसी के साथ इनिंग समाप्त, 6 रन पर देर हो गई। रामगढ़ एक्सिस बैंक 7 रनों का टारगेट है मंडावा के पास, यदि मैच जीतने हाथ तो यदि मंडावा की टीम ये मैच जीती है तो 500 रुपए का नगद इनाम जो कि मेरे अभी भी हाथ में है मंडावा की टीम को छोड़ की तरफ से दिया जाएंगे। मंडावा की टीम यदि जीती है तो 500 रुपए का नगद इनाम शोध की तरफ से मंडावा की टीम को दिया जाएगा। 7 रनों का टारगेट है मैच जीतने के लिए मंडावा के पास, 2 विकेट यदि जल्द रामगढ़ एक्सिस बैंक चटकती है तो मैच जीत जाएगी, वरना हारने वाली टीम जिनकी गाड़ी बाहर लगी हुई है टीवीएस हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस बाहर सभी की खड़ी है उस पर बैठकर आराम से जा सकते हैं, क्योंकि जीतती है वो अगले राउंड के लिए उनको फ्लाइट की व्यवस्था की गई, उनके लिए उनको सीधा होटल में भेजा जाएगा फ्लाइट से। उनको अगला मैच जो है वो शारजा में खेला जाएगा। 7 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए,
दर्शक की जो अपने पांव है ये बाउंड्री के ऊपर रखा है, तो करके हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि बाहर आ जाए अभी, प्लीज बाहर आ जाए भैया, प्लीज बाहर आ जाए। टीम से जो कि वहां पर खड़े हैं, जो नाक के नाम से जाने जाते हैं, सभी खिलाड़ी को अंदर करें, वो खुद ही बातों में लगे, उनको ध्यान ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज इनको बाहर करें। सात रन की आवश्यकता है जीतने के लिए। साजिद और ब्रेकली गेंदबाज नाम माजिद, माजिद कैप्टन है जो इस टीम के, काफी उतार चढ़ाव वाला ये मैच है। पहली गेंद सही लग रही है, ब्रेकली सात रन की आवश्यकता है जीतने के लिए। वो इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला, पौते हाथों में सिंगल चुनाया, और वहां पर हम पाए विनय का इशारा देखना होगा। नॉट आउट, एक गेंद एक रन, पांच गेंद छह रन, काफी अच्छा मुकाबला ये। अगली गेंद और इस बार एम्पायर का सारा वाइड बॉल, पांच गेंद पांच रन, पांच गेंद पांच रन, मंडावा फेवरेट। अगली गेंद और इस बार एम्पायर का सारा, और इसी के साथ मंडावा ने मैच जीत लिया है, जीत लिया है, पांच रन वो चौका गया। मंडावा गेम में 500 रुपए का इनाम है, जो कि पवन जी पाधीज की तरफ से मंडावा के कैप्टन को दिया जाएगा। पवन जी पाधीज जो भी मिले वहां सुन रहे, तो 500 रुपए का मेरे दिमाग में ट्रॉफी इस मैच की सुजीत पाधीज ले वाले थे निपुण। साजिद है वो भी यहाँ पर आया, कौन भी द्वारा अपना इनाम ग्रहण करे। साजिद जितेंद्र जी तारीज जिनका मैच है अभी, एक बार जोरदार पाई है इसी मैच के लिए, मंडावा की टीम के लिए भी जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छी वापसी दी यहाँ पर। लेकिन वो एक समय ऐसा लग रहा था कि मंडावा की टीम बिल्कुल धारण हो चुकी है, लेकिन बेहतरीन वापसी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।